हेलो, नेक्स्ट इज मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी। एज यू नो, जी स्टैंड फॉर जनरेशन, दैट इज फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। नाउ वट आर द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन दिस जनरेशंस? So first generation technology, it starts from 1980 to 1990 and speed was 2 kbps, that is kilobits per second। जब b छोटा होगा तो bits लेना है और b capital होगा तो byte लेना है, तो 2 kbps was the speed। And switching technique used circuit switching, right? And multiplexing was FDMA, that is frequency division multiple access। Multiplexing is actually a technique for combining multiple signals, and first generation telecommunication provide analog or voice signals। तो उस समय केवल कॉल ही पॉसिबल थी इस समय फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन और 2G मानी जाती है 1990 से 2000 में, और स्पीड वॉज 64 kbps, दिस इज मैक्सिमम स्पीड। एंड स्विचिंग टेक्निक, दोनों टेक्निक यूज होती थी, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, राइट। और इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती थी वो TDMA, दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। और इसमें जो सर्विसेज थी वो डिजिटल वॉइस सर्विस, SMS एंड MMS वॉज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस 2G पीरियड। फिर 3G, दैट इज थर्ड जनरेशन, ये मानी जाती है 2000 से 2010 में, और स्पीड वॉज मैक्सिमम 2 Mbps, दैट इज मेगाबिट्स पर सेकेंड। स्विचिंग टेक्निक जो यूज़ होती थी वो पैकेट स्विचिंग यूज होती थी, और मल्टीप्लेक्सिंग CDMA, दैट इज कोड डिविजन मल्टीपल एसेस, ये मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती थी। और जो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हुई हमारे पास वो हुई हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो, और डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट 4G टेक्नोलॉजी 2010 में की स्टार्ट हो गई थी, और फिनलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड 4G। सो फिनलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च्ड 4G टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इन 2010। सो द स्पीड वॉज इज एक्चुअली 1 Gbps, गीगाबिट्स पर सेकेंड। स्विचिंग टेक्निक इज पैकेट स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, एंड सर्विसेज विच 4G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, HDTV ऑन मोबाइल, यू कैन सी न्यूज चैनल्स, मूवीज ऑन मोबाइल, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स एंड फास्ट मोबाइल ब्राउजिंग वॉज सर्विसेज, इज सर्विसेज ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। नाउ कम्स 5G, दैट इज फिफ्थ जनरेशन, एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम 2019 और 2025 तक आई थिंक सभी जगह आ जाएगा। एंड स्पीड मोर देन 1 Gbps एंड अप टू 10 Gbps पर सेकेंड इसकी स्पीड रहेगी। स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग जो यूज़ होती है वो CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, और ये सारे फीचर्स यहाँ पे हैं विद एडवांसमेंट। इसके अलावा IoT, दैट इज इंटरनेट ऑन थिंग्स, एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा यूज होगी। VR, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जब ये 5G पूरी तरह से आ जाएगा। एंड साउथ कोरिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च 5G फर्स्ट टाइम। सो फिनलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च 4G फर्स्ट टाइम, एंड साउथ कोरिया वॉज द कंट्री हु लॉन्च 5G फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सो दीज आर द टेक्निकल डिफरेंसेस बिटवीन 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। द मेन डिफरेंस इज इन स्पीड, एंड ड्यू टू दिस स्पीड वी हैव डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल विद अस। नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल प्रोसेसर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज चिपसेट। It controls everything in your smartphone. A processor performs mostly performance mostly depend on two specifications. First is number of cores in mobiles, and number of clock is or clock speed. So performance of mobile depends on number of cores
and clock speed. Now a core is actually an element of the processor that execute task, and more the number of cores, more and heavier app it can run. So there are different kinds of cores: dual core, quad core, octa core and hexa core. So this is all about mobile processors. It is also known as chipset, and the speed or performance depends upon two specification. First one is cores and second one is clock speed, right? Okay, thank you.